स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है लिमिट्स में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स करने के लिए आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, उनका भी एक बार ब्रीफ दे दूंगा मैं लॉग की प्रॉपर्टीज का जो हमारी यूज होती हैं। प्लस एक्सपोनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज लगाएंगे। पहले वो फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर लॉग के अभी लिख रहा हूं मैं फॉर्मूलाज, जब मैं यूज करूंगा तो पहले आपको लॉग का बेसिक एक बार दोबारा बताऊंगा कि क्या होता है लॉग। हमने उसमें तो पढ़ा था फंक्शंस में, बट अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। क्या है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स में? सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसका फॉर्मूला होता है वन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फॉर्मूला होता है वन। दूसरा इसका रिवर्स फॉर्मूला, इसका रिवर्स फॉर्मूला वन का उल्टा भी वन होता है। मैं लिखूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस वन, ये भी क्या होता है वन, वन का उल्टा वन होगा। सिमिलरली तीसरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये होता है लॉग ए। अभी फॉर्मूला लिखो, लॉग का मतलब अभी समझा रहा हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अपॉन ए टू पावर एक्स माइनस वन, ये होता है वन अपॉन लॉग ए। चार ये फॉर्मूलास। पांचवा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये होता है वन। और छठा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग उल्टा वन अपॉन एक्स अपॉन लॉग वन प्लस एक्स, ये भी होता है वन। तो ये मात्र छह फॉर्मूलाज हैं इसके। इसमें लॉग का पहले आपको मतलब समझ आना चाहिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम एक बार बेसिक बात कर लेते हैं लॉग की, प्लीज ध्यान दीजिएगा। लॉगरिथम बेसिक्स, टाइम दूंगा आपको लिखने का। लॉग के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। लॉग का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं लॉग बी ए इक्वल टू सी, इसमें किस टर्म का क्या मतलब है? ये जो बी आपको दिख रहा है बांदर, ये कहलाता है बेस ऑफ लॉग, ये कहलाता है बेस ऑफ लॉग। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो बी है, जो बी है ये क्या होता है, जो बी है इसका नाम है क्या, बेस ऑफ लॉग। और इसको अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो आई मे राइट इट एज बी टू पावर सी इक्वल टू ए, इसकी पावर ये इक्वल टू ये। ये लॉग का बेसिक मतलब होता है, मतलब लॉग टू द बेस 216, तो 2 की पावर क्या हो कि 16 आंसर आए, 4, तो ये हो जाता है 4। टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले प्लीज समझ लो। इसी तरह लॉग टू द बेस 39, 3 की पावर क्या होगी, 9 आंसर आए, 2। इसी तरह लॉग टू द बेस 3 1/9, आंसर क्या होगा, -2, 3 की पावर -2 इज 1/9, ठीक है। इसी तरह लॉग टू द बेस 8, आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं लॉग टू द बेस 4 2
4 का क्या होता है 2 स्क्वायर रूट, सो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। क्या ये समझ में आता है? लॉग टू द बेस 3 1 3 की पावर क्या होगी 1 आंसर आए 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो लॉग का आंसर 0 हो सकता है। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं, इसमें कंडीशंस हैं, इसमें कंडीशंस हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है बी भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस याद रखनी है आपको, बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 पॉजिटिव होता है ना, 1 के बराबर बेस नहीं होना चाहिए, और ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सी नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, इसकी क्या क्या हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, मेन ये खेल है जो कि हमारा काम आएगा। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग टू द बेस ए, ए आंसर होगा 1। बेस कुछ भी हो अगर उसी का लॉग निकाले तो आंसर होगा 1। आप खुद बचाओ, खुद बताओ ए की पावर क्या होगी, ए आंसर है 1, एनीथिंग टू पावर 1 इज दैट दैट थिंग ओनली, पहली प्रॉपर्टी। माइंड इट, ये जितना लॉग मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं स्पेसिफिकली कॉमर्स वालों को, साइंस वालों ने तो फिर भी कर रखा है, कॉमर्स वालों को मैं जितना बता रहा हूं ये आपका 12th मैथ्स में भी बहुत यूज होगा, तो लॉग्स अच्छे से समझ लो, जितना काम का है उतना करा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, लॉग बेस कुछ भी हो 1 हमेशा आंसर क्या होगा 0, क्योंकि एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1। तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में यूज करेंगे, लॉग बेस कुछ भी हो m टू पावर n, ये होता है n log m, पावर जो है वो बाहर आ जाती है, जो पावर है वो बाहर आ जाती है लॉग के। चौथी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगी, लॉग टू द बेस a m इंटू n, दो चीजें जब मल्टीप्लाई होंगी लॉग में सेपरेट होके ऐड हो जाएंगी, प्लस लॉग टू द बेस a n, दो चीजें जब मल्टीप्लाई होंगी सेपरेट होने पे लॉग पे क्या हो जाएंगी एड अप हो जाएंगी। फिफ्थ, लॉग टू द बेस a m डिवाइडेड बाय n, जब दो चीजें डिवाइड होंगी तो सेपरेट होने पे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी तो ऐड हो जाएंगी अलग होके, डिवाइड होंगी तो अलग होके क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट नहीं खुलता लॉग में, लॉग में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं कि लॉग टू द बेस a m प्लस n, अब ब्रैकेट खोल दो लॉग टू द बेस a m प्लस लॉग टू द बेस a n, ऐसा कभी नहीं होगा, इट इज नेवर इक्वल। दो जब ऐसे ब्रैकेट नहीं खुलता लॉग में, मल्टीप्लाई होता है तब अलग अलग होके ऐड होता है, डिवाइड होता है तब अलग अलग होके सब्ट्रैक्ट होता है, एडिशन का ऐसे अलग अलग होने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा इफ नो बेस इज स्पेसिफाइड, अगर किसी सिचुएशन में कोई बेस नहीं लिखा, देन इट इज टेकन एज ई, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ई की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिटी, सॉल्व करके अराउंड 2.71 के आसपास आती है, काम कभी नहीं आएगी वैल्यू, पता होना चाहिए ई क्या होता है। ई एक स्पेशल कॉन्स्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इस सिचुएशन में द लॉग, इस केस में जो लॉग है इज कॉल्ड नेचुरल लॉग एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज
ln, मतलब मैं लिखूं log to the base ex, या लिखूं simple log x, या लिखूं ln x, एक ही बात है. अगर कुछ बेस नहीं लिखता तो मतलब बेस e है. इसको हम ln x भी लिख सकते हैं. ln मतलब natural log, ठीक है. इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये तो ये हो गई आपकी पहली पांच प्रॉपर्टी. पहली कौन सी? बेस और ये वैल्यू सेम होगी तो आंसर होगा वन. बेस वन का लॉग हमेशा क्या आएगा? जीरो. पावर में होगा तो पावर बाहर आ जाएगी. मल्टीप्लाई होगा तो सेपरेट होने पे ऐड हो जाएंगे. डिवाइड होगा तो सेपरेट होने पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मेन ये प्रॉपर्टीज हैं. इसके अलावा दो तीन और हैं, वो भी बता रहा हूं. पहले इतना लिख लो और इनको यूज करना. अभी सिखाता हूं. इनको यूज करने के लिए, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. बिना उसके लॉग की प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. तो पहले इतना लिख लो. अभी लॉग की थोड़ी और प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. पहले इतना लिख लो प्लीज. आगे देखो और प्रॉपर्टीज कौन सी है इसकी. प्रॉपर्टी नंबर फाइव तक लिखी थी ना, सिक्स. एक होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी. बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है? लॉग टू द बेस ए बी है, इसको आप लॉग बी बाय लॉग ए लिख सकते हो. बेस कुछ भी लगा लो जो तुम्हें अच्छा लगे. जैसे एक एग्जांपल देखो. सपोज मैंने बोला लॉग टू द बेस एट 32. 8 की पावर क्या होगी? 32 आंसर आए. अभी सोचना मुश्किल है ना, फ्रैक्शंस में होगी. बट दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2. दोनों 2 की पावर्स में. तो आप इसको क्या करो, इसको लिख दो log 32 by log 8. दोनों के बेस लिख दो 2. अब बताओ 2 की पावर क्या होगी? 32 आंसर आए 5. और 2 की पावर क्या होगी? 8 आंसर आए 3. So, 8 की पावर 5/3 करोगे तो 32 पे पहुंचोगे. ऐसे बेस चेंज प्रॉपर्टी काम आती है, ठीक है. इसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी a टू द पावर लॉग टू द बेस ए एक्स, ये होता है x. इसका प्रूफ देखो कैसे बनाइए. इसको मैंने y मान लिया. इसको y ले लिया, दोनों तरफ log ले लिया, taking log on both sides. log to the base a y is log to the base a to the power log to the base a x. लिख सकते हो. अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पावर है वो बाहर आ जाती है. log to the base a y is log to the base ax, पावर थी वो बाहर आ गई. बचा क्या? log to the base aa. क्या किया मैंने? ये जो पावर है इस पावर को मैंने बाहर लिख दिया. अब log बेस और ये सेम होता है तो वैल्यू क्या होती है? 1. क्या बचा आपके पास? आया log to the base ay is log to the base ax. दोनों तरफ log log कट गया. y equal to x, मतलब y क्या था? a टू द पार log टू द बेस ए एक्स इक्वल टू एक्स. इसी प्रॉपर्टी का दूसरा फॉर्म e टू द पार log टू द बेस ई एक्स, ये होता है x. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e टू पार ln x, ये हो गया x. या सिंपल आपको दिख जाए e टू पार log x, तो आंसर क्या हुआ? x. कहने का मतलब है जब ये वैल्यू और ये बेस सेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कट के बचेगा x. तो इधर देखो e और e सेम है, कट गया, क्या बचा? x. e और ये ln का मतलब क्या होता है? बेस कौन सा? e. कट गया, क्या बचा? x. सेम यही, एक ही तरीका है अलग अलग लिखने का. समझ में आया? अब हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे. यहां तक पहले तमीज से लिख लो और 5 मिनट है तुम्हारे पास. लॉग की सारी प्रॉपर्टीज को रिकैप कर लो एक बार, फिर हम अप्लाई करते हैं. अप्लाई करते हैं इसके क्वेश्चंस में. तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, log 1 प्लस x अपॉन x. ये तीन टाइप के फॉर्मूलास पढ़े, इनके क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं.
जैसे सपोज करो आपको बोला इवैल्यूएट इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई टू पावर फाइव एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स. जरा फॉर्मूला पे एक बार वापस रिविजिट करिए. e टू पावर x माइनस वन अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो ये x है तो ये भी x होना चाहिए और ये भी x होना चाहिए. मैचिंग होगी तभी आप क्या लगा सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो. सिमिलरली इधर भी x x x मैच होने चाहिए. तो इस क्वेश्चन पे आओ, या x अप्रोचेस टू जीरो है या 5x है और या 3x है. आप इस 5x को तो नहीं हटा सकते, आप इस 3x का 3 हटा सकते हो, आप इस 3 को 5 बना सकते हो, आप इस x को चेंज कर सकते हो लिमिट चेंजिंग से. तो आप क्या करो, सबको 5x बनाओ. पहले 3 बाहर ले लो, 1 बाई 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0. एक एक स्टेप करके दिखाता हूं मैं, वैसे तो एक ही स्टेप में बहुत सारा कर सकता हूं. एक एक स्टेप, 3 को बाहर ले लिया, अब 5x से नीचे क्या बनाना होगा, 5x तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 से. तो हुआ 1 बाई 3, 5 बाई 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x, राइट. अब ये 5x ये 5x, इसको 5x बनाना पड़ेगा. तो क्या लिखोगे, इफ x अप्रोचेस टू 0 5x विल अप्रोच टू 0. ये हुआ 5 बाय 3 लिमिट 5x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x. कितना आंसर हुआ, 1, और ये हुआ 5 बाई 3, ये हुआ 1, आंसर क्या आया, 5 बाई 3. क्या ये समझ में आता है, इजी क्वेश्चन. जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले में दिमाग लगा रहे थे वैसे ही लगाना है. एक और देखो, सपोज मैंने आपको बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू पावर 7x माइनस 1. e टू पावर 2x माइनस 1 है, नीचे क्या चाहिए होगा, 2x. e टू पावर 2x माइनस 1 के नीचे 2x चाहिए होगा, e टू पावर 7x माइनस 1 के ऊपर क्या चाहिए होगा, 7x. तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर उससे कर लो, e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू 2x. इसी तरह से e टू पावर 7x माइनस 1 7x से मल्टीप्लाई, 7x से डिवाइड, एक्स एक्स काट दो, लिमिट चेंज करो. इफ एक्स अप्रोचेस टू 0 2x विल अप्रोच टू 0 7x ऑल्सो अप्रोच टू 0. ये हो गया लिमिट 2x अप्रोच टू 0 e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू लिमिट 7x अप्रोच टू 0 7x अपॉन e टू पावर 7x माइनस 1, और 2 और 7 बच गए थे. सो आंसर कितना आया, 2 बाई 7 इंटू 1 इंटू 1, रिजल्ट आ गया 2 बाई 7. क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है. और देखो, सपोज क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x. अब e टू पावर साइन x है तो हमें नीचे क्या चाहिए होगा, साइन x. तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और एक एक्स बच गया था. ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है, वो 1 होता है. लिमिट्स खेलो पहले, इफ एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स विल ऑल्सो अप्रोच टू 0. ये हुआ लिमिट साइन एक्स अप्रोच टू 0 ई टू पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बाय एक्स. ये भी 1 हो गया और दूसरा भी 1 हो गया, आंसर कितना आ गया, 1. क्या यहां तक समझ में आता है, एक e की पावर वाले समझ में आते हैं, क्लियर. और देखो, सपोज आपको बोला लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स टाइम्स 4 टू पावर 5x माइनस 1. प्लीज ध्यान देना, अब e की जगह 4 आ गया,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ए है. फोर इज बेसिकली वॉट, ए. फोर इज ए. तो ए टू पावर एक्स माइनस वन के ऊपर क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, सॉरी एक्स चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा. फाइव एक्स है ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फाइव एक्स से. तो देखते हैं. और वन माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल. कितना हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन एक्स इंटू फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स अपॉन फोर टू पावर फाइव एक्स माइनस वन. मानते हो बेटा, 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये तो अपने ठिकाने लग चुका है. अब दूसरे पे आओ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के नीचे एक्स स्क्वायर है, क्या करोगे, इकट्ठा कर दोगे, 2 बाय 5 को बाहर ले जाओ, अच्छा नहीं लग रहा इकट्ठा. लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स बाई टू अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू फाइव एक्स अपॉन फोर टू पावर फाइव एक्स माइनस वन. साइन एक्स बाई टू के नीचे क्या चाहिए होगा, एक्स बाई टू, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, यही करते हो बेटा. इस टू को बाहर ले जाओगे, फोर बार आ जाएगा, सो टू बाय फाइव इंटू फोर. लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर फाइव एक्स अपॉन फोर टू पावर फाइव एक्स माइनस वन. मानते हो बेटा, नो प्रॉब्लम, श्योर, समझ में आ गया, अप्रोच क्लियर है. अब क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे. इफ एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स बाई टू अप्रोच टू जीरो, फाइव एक्स ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, कितना बन गया, टू बाई टेन, टू बाई ट्वेंटी, मतलब वन बाई टेन. लिमिट एक्स बाई टू अप्रोच टू जीरो, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू लिमिट फाइव एक्स अप्रोच टू जीरो, 5x upon 4 to power 5x minus 1. So 1 by 10 into 1 square into, ये कितना हुआ? Log a, denominator में 1 by log 4. खत्म. समझ में आया? मतलब 1 by 10 log 4. Got it? Logic clear है? दूं एक दो करने के लिए तुम्हें? करो. करो 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 करो. लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, रूट नाइन प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एट टू पावर एक्स माइनस वन. एक करो, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, बी टू पावर एक्स माइनस बी टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स. ये दो करो पहले, ये दो अटेम्प्ट करो, चेक करिए बेटा दोनों, चेक कीजिए. फर्स्ट वाले में क्या नजर आ रहा है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करो. लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, रूट नाइन प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू रूट नाइन प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट नाइन प्लस एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एट टू पावर एक्स माइनस वन. सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमरेटर में क्या आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नाइन प्लस एक्स माइनस नाइन, नाइन नाइन कट गया, अपॉन एट टू पावर एक्स माइनस वन रूट नाइन प्लस एक्स प्लस थ्री. एट टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, x upon 8 to power x minus 1 into limit x approaches to 0, 1 upon under root of 9 plus x plus 3. Value डालो, ये हो गया a to power x minus 1 upon x, 1 upon log a into 1 upon root of 9, 3 plus 3, answer आया 1 upon 6 log 8. Clear है बेटा? पहला ठीक है? पक्का? अगला देखिए. अगले में आपको बोला 8 b टू पावर x माइनस b टू पावर माइनस x. अरे a टू पावर x के साथ माइनस वन चाहिए होता है, चाहिए होता है, a टू पावर x के साथ माइनस वन चाहिए होता है. माइनस वन अगर चाहिए तो वन एड सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम हो जाएगा.
क्योंकि दोनों के साथ फिर माइनस वन आ जाएगा। ध्यान दो क्या कर सकता हूं मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी टू पार एक्स माइनस वन माइनस बी टू पार माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है। प्लस वन माइनस वन कर सकता हूं, अलग अलग कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी टू पार एक्स माइनस वन माइनस कॉमन बी टू पार माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कर सकता हूं। ये तो हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें ऊपर माइनस एक्स है तो नीचे भी क्या चाहिए होगा, माइनस एक्स चाहिए होगा, तो इस माइनस को इधर ले जाओ, आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी टू पार एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी टू पार माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स लिख सकता हूं। इफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एक्स विल ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो बी टू पार एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लिमिट माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी टू पार माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स, क्या हो गया ये लॉग बी, ये भी क्या हो गया लॉग बी, आंसर कितना आया 2 लॉग बी। आ रहा हूं एक और मेथड, इस क्वेश्चन का एक और मेथड, बी टू पार माइनस एक्स जो दिख रहा है उसको 1 अपॉन बी टू पार एक्स भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी टू पार एक्स प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन बी टू पार एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बी टू पार टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू बी टू पार एक्स लिख सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, यू गेट टू लिमिट टू एक्स अप्रोच टू जीरो बी टू पार टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन अपॉन बी टू पार एक्स, लिमिट क्या किया इफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आंसर क्या आ गया ट्वाइस ऑफ लॉग बी इंटू वन, ऐसे भी कर सकते हो आपकी चॉइस है, वन अपॉन बी टू पार एक्स लिख के एलसीएम ले लिया, वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, चॉइस इज योर्स, गॉट इट, समझ में आया पक्का। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, सपोज आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स, क्या करोगे, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स चाहिए होता है, तो यहां फाइव एक्स है तो नीचे क्या चाहिए होगा फाइव एक्स, सो थ्री को बाहर ले जाओ और फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पहले थ्री को बाहर ले जाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस फाइव एक्स अपॉन एक्स बचा फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो इफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो फाइव एक्स अप्रोचेस टू जीरो सो फाइव बाई थ्री लिमिट फाइव एक्स अप्रोच टू जीरो लॉग वन प्लस फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स, डिनोमिनेटर वन हो गया, फाइव बाई थ्री इंटू वन, आंसर आया फाइव बाई थ्री, समझ में आई बात, क्लियर। और देखो सपोज आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग टू प्लस एक्स माइनस लॉग टू अपॉन एक्स, ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा लॉग वन प्लस होती है, ये टू प्लस में क्या करें, पै गया स्यापा, डजंट मैटर, लॉग ए माइनस लॉग बी लगा दो, लॉग में जब सब्ट्रैक्शन में होता है तो बेसिकली वो डिवाइड होता है, प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो गया लॉग ए बाई बी, तो ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग टू प्लस एक्स अपॉन टू बाय एक्स, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाय टू अपॉन एक्स, ये सुनो, अब वन प्लस एक्स बाय टू है तो नीचे क्या चाहिए होगा एक्स बाय टू, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाय टू अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स बाय टू,
इफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स बाय टू अप्रोच टू जीरो, ये टू बाहर ले जाओ, ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स बाय टू, नहीं डिनोमिनेटर में था सॉरी, वन बाय टू ऑफ लिमिट एक्स बाय टू अप्रोच टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू. अब ये वन हो गया, आंसर आ गया हाफ इंटू वन. ठीक है, इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन देखो जो थोड़ा सा तंग करता है. सपोज आपके पास होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग फोर प्लस एक्स माइनस लॉग फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स. लॉग फोर प्लस एक्स माइनस लॉग फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोचो बताओ मेरे को क्या अप्रोच लगाओगे इसमें. पहली बात तो नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या आएगा, लॉग फोर प्लस एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स, उससे वन तो नहीं बनेगा. लॉग फोर प्लस एक्स में फोर को वन बनाने के लिए फोर से डिवाइड करना पड़ेगा, फोर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लॉग फोर से. यहां देखो लॉग टू से सब्ट्रैक्शन थी तो डिवाइड होके टू टू वन बन गया कि नहीं बन गया. अगर मैं लॉग फोर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फोर फोर कट के वन हो जाएगा. अब घर की कहती थोड़ी ना, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐड भी करूंगा. देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग फोर प्लस एक्स, मुझे माइनस लॉग फोर करना पड़ेगा, माइनस लॉग फोर माइनस एक्स, मुझे एड लॉग फोर भी करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स. ये सुनो, इधर लॉग ए माइनस लॉग बी लगाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया लॉग ए बाय बी. इसमें माइनस कॉमन ले लू तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. मानते हो बेटा गलत तो नहीं है. अब 4 प्लस एक्स अपॉन फोर कितना हो गया, अलग अलग करके लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बाय फोर अपॉन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाय फोर अपॉन एक्स. मानते हो बेटा. अब ये 1 माइनस एक्स बाय फोर है तो यहां नीचे माइनस एक्स बाय फोर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो माइनस इधर भी 4 से करो. ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाय फोर अपॉन फोर टाइम्स एक्स बाय फोर प्लस लॉग वन प्लस नेगेटिव एक्स बाय फोर अपॉन फोर टाइम्स नेगेटिव एक्स बाय फोर. पैटर्न देखो चेंज किया ना मैंने, वन प्लस कुछ शो करना है तो वन प्लस की फॉर्म में लाया. अब लिमिट फोर बाहर लेके इफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स बाय फोर अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एक्स बाय फोर विल आल्सो अप्रोच टू जीरो. वन बाय फोर बाहर लिमिट एक्स बाय फोर अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाय फोर अपॉन एक्स बाय फोर प्लस लिमिट माइनस एक्स बाय फोर अप्रोचेस टू जीरो लॉग 1 प्लस माइनस एक्स बाय फोर अपॉन माइनस एक्स बाय फोर. क्या आंसर आया, 1 बाय फोर, ये कितना बना 1, दूसरा भी कितना बना 1, आंसर आ गया 1 बाय टू. समझ में आई? Yes. समझ में आई. ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. क्लियर? पक्का? Yes. सबको क्लियर? सो पैटर्न्स को ध्यान रखो, काम होता है. एक और देखते हैं फिर वाइंड अप करते हैं. सपोज आपको बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या करोगे? लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड. कितना हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. राइट? ये तो एक जैसा बन गया, ये x अपॉन साइन x बन गया. तो पहले लिमिट चेंज करो, इफ x अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर विल अप्रोच टू जीरो लिमिट x स्क्वायर अप्रोचेस टू जीरो
log 1 plus x square upon x square into limit x approaches to 0 x upon sin x ka whole square. तो ये कितना आया 1 into 1 square, आंसर आ गया 1. Got it? आज का छोटा सा होमवर्क कंप्लीट कीजिए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फ्रॉम असाइनमेंट. एनसीईआरटी में नहीं है, स्कूलों में कराते हैं, काफी आते हैं. ठीक है, प्लीज लिख लीजिए, पिछले वाला लिख लीजिए और फिर जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.